जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैप राउंड 2 फॉर महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी 2022 का आउट हो गया। इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आई है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट को, किन को कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को किन को कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। सो लेट अस प्रोसीड, बट बिफोर वी प्रोसीड गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो फाइन आर्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड गाइस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस बैचेस वी हैव लॉन्च फॉर महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी 2023। इन दिस बैचेस यू विल गेट लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस, ईबुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335 और ऑल्सो यू कैन विजिट टू अवर वेबसाइट vidit.education.com। गाइस, डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। इफ यू वांट काउंसलिंग फ्रॉम अवर एंड, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी, ओके, सो डू फिल दैट फॉर्म, अवर टीम विल गेट बैक टू यू। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। सो हियर यू कैन सी, ये कल ही रात में लेट में अपडेट आया था, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट कैप 2 एंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट कैप राउंड 2, ये दोनों आ गया है। ओके, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट फॉर कैप राउंड 2। नाउ यहाँ पे ये अलॉट हुआ है लिस्ट में आपको कॉलेजेस। अब आपको सीट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है ये आपके ऊपर है। गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपको सीट मिल रहा है तो आप सीट एक्सेप्ट कर लेना, बिकॉज अब शायद कोई भी कॉलेज में सीट नहीं मिलेगा आपको, तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा। और शायद अगर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड हुआ तो ट्राई करना पड़ेगा, बट उसमें भी बहुत चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि बहुत कम ही इंस्टीट्यूट में सीट्स वेकेंट रहते हैं। सो दैट इज व्हाई अब आप सीट एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये पूरे लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स है, उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। सो दिस इज अबाउट द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेटचर के लिए तो और भी कम है। सो ये रहा है ऑल इंडिया कैंडिडेटचर टाइप। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल जो कैंडिडेट को मिला है वो 116 कैंडिडेट है जिनको चॉइस नॉट अवेलेबल सीट्स दिए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया। और यहाँ पे टोटल यहीं पे ये खत्म हो गया है, 54 वगैरह कुछ सीट्स जो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहते हैं उनको यहाँ पे मिला है। तो अब जिनको ऑल इंडिया कैंडिडेट में सीट अलॉट हुई है, प्रोविजनल अलॉट हुई है, दे शुड एक्सेप्ट द सीट एंड दे शुड गो टू द कॉलेज एंड दे शुड टेक द एडमिशन इन द रिस्पेक्टेड कॉलेज जहाँ पे भी आपको सीट अलॉट हुआ है, बिकॉज दिस विल बी द लास्ट राउंड। इसके बाद शायद राउंड ना हो क्योंकि सीट्स ही नहीं है। ओके, सो मेक श्योर कि आप एडमिशन ले लो, अदरवाइज आपको नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा। तो ये रही अपडेट अबाउट दी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझी रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।